विकास खंड अधिकारी के कार्यालय पर युवक के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला कोतवाली पहुंचा। मौरानीपुर शुक्रवार की दोपहर विकास खंड कार्यालय पर पहुंचे युवक ने ग्राम रोनी में स्थित जमीन को लेकर कुछ कागजों के बारे में पूछा। बस थोड़ी ही देर में कार्यालय के अंदर गाली गलौज होने लगी। दबंग युवक ने विकास खंड अधिकारी से अभद्र भाषा में खड़ी खोटी सुनाई तथा देश के रक्षा मंत्री तक बुलाने की दम दे डाली। यह सब देख विकास खंड के कर्मचारी व ग्राम प्रधानों की भीड़ जमा हो गई। तभी विकास खंड अधिकारी के द्वारा कोतवाली से पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक धर्म सिंह अपने साथ उक्त युवक को थाने लाए, लेकिन कोतवाली में प्रार्थना पत्र दोनों तरफ से पुलिस को दिया गया। आज ब्लॉक में आपके कार्यालय में क्या घटना हुई है और क्या पूरा मामला है सर? लगभग 1 बजे के आसपास हम अपने कुछ कर्मचारियों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता कर रहे थे विकास कार्यों से संबंधित। उसमें हमारे कुछ सम्मानित प्रधान जी लोग भी थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति हमारे पास बगल में मोटरसाइकिल खड़ा करके और कुछ कर्मचारियों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। हमने उससे आग्रह किया कि मोटरसाइकिल थोड़ा सा दूर खड़ा कर लें और उसके बाद अपनी समस्या बताएं। उसके बाद उस आदमी ने वही मोटरसाइकिल खड़ा करके और लगभग हमारे समकक्ष में बराबरी में खड़ा होकर के और छाती चौड़ा करते हुए और गुस्से से हमें भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। हमने उसे इस संबंध में मना किया तो अनावश्यक रूप से उसने हल्ला गुल्ला किया, शोर मचाया, पूरे कर्मचारियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। हमने उनकी समस्या जाननी चाही तो उनका कोई समस्या था बोरिंग से संबंधित। हमने जब वो फाइल मंगवाई, उसके साथ भी कुछ और लोगों के भी फाइल थे, तो छीना झपटी में उनके द्वारा वो फाड़ दिया गया। इस संबंध में हमारे कुछ प्रधान जी लोगों ने भी हस्तक्षेप किया उनको शांत करने के लिए और उनसे अपशब्द बोलने के लिए मना करने के लिए। तो उनके द्वारा हमें और कुछ कर्मचारियों को भी जान से मारने की धमकी दी गई और बलात् रूप से ब्लॉक के कार्यों में हस्तक्षेप किया उन्होंने और कार्यालय में आकर के बिना अनुमति के घंटों बैठे रहे और कर्मचारियों के बारे में अनावश्यक जो है गाली गलौज करते रहे। क्या इस दौरान कोई दस्तावेज भी फाड़ा है क्या उन्होंने? जी हाँ, मैंने जब उनसे मंगाया था उनके जो बोरिंग प्रमाण पत्र के संबंध में, मैंने अपने बोरिंग टेक्नीशियन से मंगाया कि क्या इनकी क्या समस्या है, तो कुछ उसमें और लोगों के भी प्रमाण पत्र थे, तो उसी देखने के क्रम में उनके द्वारा जो है आग बुला हो करके और छीना झपटी करते हुए गाली गलौज करते हुए कुछ दूसरे अन्य लोगों के उनके द्वारा दस्तावेज फाड़ दिए गए। इसकी शिकायत पुलिस से की है सर? हमने थानाध्यक्ष मौरानीपुर को भी इस संबंध में अवगत कराया था, फ़ोन भी किया था और उनके तरफ से दरोगा जी आए भी थे और अभी हम एप्लीकेशन देंगे उनको धर्म सूचना के लिए। सर वो अपना काम खुद का कराने आए थे, किसी और का लेके आए थे? वो अभी तक तो मुझे पहली बार उन्होंने बताया था। उनका कहना था कि 15 दिनों से मैं बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने पहली बार ही मदन भरथरे नाम था उनका, निवासी रोनी बता रहे थे वो अपने आप को। बाद में मुझे पता चला, पहले उन्होंने अपना नाम बहुत लंबे समय तक बताया कौन है, कहाँ से हैं। बाद में जब पुलिस द्वारा यहाँ पर आई थी, पुलिस की टीम आई, उसके बाद उन्होंने अपना नाम बताया। देखना यह है कि पुलिस के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। जबकि विकास खंड अधिकारी ने बताया कि मैं ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहा था, तभी उक्त व्यक्ति आया और बिना कुछ कहे गाली गलौज करने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।